ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये स्थिति नहीं है। तुम्हें इतना ईगो क्यों है? ज्यादा बात मत करो, जानबूझकर नहीं किया मैंने। हालात ही ऐसे थे, मैं क्या करता? ऐसा होगा किसे पता था? मुझे सपना आया था क्या? सपना देखा था या क्या देखा था मुझे नहीं पता। सब कुछ खो दिया हमने और अब रोड पर आ गए हम लोग। ए, इरिटेट मत करो। सच बात करें तो आप ऐसे ही इरिटेट होने लगते हो। मतलब तुम्हें लगता है मैंने जानबूझकर किया है? सही कहा, ये सब कुछ आपकी नाकामी है। ए, शट अप। यू शट अप। बहुत जुबान चला रही हो तुम। तो आज तुमने अपने भगवान से क्या मांगा? हमें जल्दी से एक बच्चा हो जाए भगवान से मांग रही थी। आरती लीजिए। अरे बच्चे पैदा करने के लिए आरती नहीं की जाती। अरे बच्चे के लिए, आरती के लिए नहीं। ओके। इसी तरह आप भगवान का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए भगवान हमसे नाराज हो गए और शायद इसीलिए हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। फल वल देने के लिए तुम कोई पेड़ नहीं हो। चलो चलते हैं। कहाँ पर? बेडरूम में। दो दिन ऑफिस की छुट्टी लेकर ओवर टाइम करूंगा ना, सब एडजस्ट हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं जी? वो मैंने कुछ देखा नहीं। यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। दीदी, भगवान से आज क्या मांगा? यही कि तुझे 100 बच्चे पैदा हो। वैसे देखा जाए तो मेरी शक्ल पवन कल्याण जैसी है। शादी ही नहीं हुई और आप बच्चों तक पहुंच गए। अरे मैं पुलिस वाला हूँ, इसके लिए लड़की कोई नहीं दे रहा। सच सच बताना, तू पुलिस वाला है इसलिए लड़की नहीं दे रहा है या तुझे कोई पसंद नहीं आती इसलिए? वो ओए, VCD बन के DVD की तरह बात करेगा तो यही होगा, तुझे कोई भी लड़की वड़की नहीं देगा, समझा? चल अच्छा, ड्यूटी करते हैं। देखो ना दीदी, दत्त कमिश्नर साहब है। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, ठीक है सर। क्या हुआ फिर से? कोई मुसीबत आई है क्या? अरे सिटी में एक साइको घूम रहा है ना। वो कहाँ है पता चल गया? वहीं जाना है हम लोग। उस साइको के पास? उसी के पास, 6 लोगों को मार चुका है वो। अभी उसके पास जाएंगे तो उसकी गिनती 6 से 8 हो जाएगी। जीजा, आइडिया। जीजा
हम उधर जाए बिना कमिश्नर के पास जाके ये बोलेंगे कि वो वहाँ है ही नहीं। इस बहाने हम बच जाएंगे जीजा। ओए, तू पुलिस वाला ही है ना? उससे पहले मैं इंसान हूँ जीजा। आपका क्या जीजा, आप कुछ भी बोलते हैं। आप शादीशुदा पुलिस वाले हैं, मैं बिना शादी का पुलिस वाला हूँ। इसीलिए तुझे और निडर होकर रहना चाहिए। तू पहले जाना, तेरे पीछे मैं आऊंगा। किस लिए? मरने के बाद बॉडी ले जाने के लिए। जीजा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए। बच जाऊंगा तो जेल के कैदियों को सेल फोन देकर भी जी सकते हैं। मुझे बख्श दो। मुंह बंद कर अपना, नहीं तो उससे पहले मैं तेरे को मार दूंगा, समझा? हेलो, इधर आओ। क्या बात है? यहाँ एक पुराना बंगला था, कहाँ है वो? अरे बाप रे, वो बंगले का नाम लेने से लोग डरते हैं। आप उस बंगले का एड्रेस पूछ रहे हैं? कुछ काम है, एड्रेस बताओ मुझे। आप लोगों को भगवान बचाए, उसके अंदर भूत है। सच में उस बंगले के अंदर काफी सालों से भूत है। उस बंगले के नाम से ही लोगों की पैंट गीली हो जाती है। जीजा, कमिश्नर कहता है कि उसके अंदर ससा साइको है, और ये कह रहा है कि उसके अंदर भूत है। कहीं साइको ही भूत नहीं है ना? नॉर्मल भूतों से ही मेरी फटती है, ऊपर से साइको भूत मतलब। तू रुक। वैसे वो घर है किधर? सीधे जाकर दाहिने हाथ की तरफ। ठीक है, तुम जाओ, चलो तुम। जीजा जी, हम दोनों को उसने बताया कि वहाँ पर भूत है, तब भी वहाँ जाना जरूरी है क्या? मुंह बंद कर और चल। जीजा जीजा, कहीं का गोविंदा गोविंदा, पता नहीं अब क्या होगा। जीजा, हमारे आते ही तेज हवा चलने लगी, यहाँ भूत है, डाउट पक्का है। मुंह बंद कर और चल मेरे साथ। अरे वाह, अब कोई टेंशन नहीं है। ए, मुंह पे रुमाल क्यों बांधा है? भूत आएगा तो मुझे ना दिखाई दे इसलिए। इडियट, तो भूत को भी नजर नहीं आएगा। सही है जीजा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, भूत को तो मैं नजर आ जाऊंगा, क्या करें। भूत, बचाओ। अरे मैं हूँ। आप हैं जीजा? मुझे लगा भूत है जीजा। ओ चल ना। सुनिए ना जीजा, बंगला देख के ही लगता है भूत बंगला, आप ही जाओ। अरे चल। मैं नहीं आऊंगा। नहीं जीजा, आप जाइए। जीजा जीजा, जीजा। जीजा, जीजा, क्या हुआ? जीजा, भूत, भागो, भागो। अरे तू भी, क्या भूत भूत लगा रखा है? वो लड़की कुछ महीनों से वो खंडर वाले बंगले में रह रही थी, इसीलिए डिप्रेशन में चली गई है। दो दिन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, शी विल बी ऑल राइट। जल्द से जल्द मुझे उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। लड़की के माँ बाप कितने दुखी होंगे कि आखिर उनकी बेटी कहाँ चली गई। बेचारी जीजा, वो मासूम बच्ची नहीं, भूत बच्ची है। ए, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर, नहीं तो याद रखना। बोला तो करना ही पड़ेगा ना, इसे ही कहते हैं ए जाने वाले बैल, और मुझे मार।
अरे बाप रे, ये रिस्पेक्ट पहले कहाँ थी? मैंने आपको देखा नहीं सर। अभी देखा ना, यही कंटिन्यू कर। और ये क्या है? ये टाइल मारता है। गधे को सनग्लास पहनाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा। दीदी इतना डल क्यों हो? खाना नहीं खाया? ये क्या है, फोन बिल? नहीं, डिक्लेरेशन बिल। अब मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर का दिया हुआ डिक्लेरेशन रिपोर्ट। दीदी तुम्हें एक बात पता है, अमेरिका में एक औरत को तुम्हें कभी बच्चे नहीं होंगे ऐसा 4 डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया। 35वें साल में उसने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। सो तुम तो अभी 25 साल की हो दीदी, 10 साल अभी बाकी हैं। हंसो श्याम। हंसो। उस बच्चे के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं जीजा, मुझे लगता है वो लड़की अनाथ है, इसीलिए पेपर में ऐड देने के बावजूद कोई नहीं आया। 20 जुलाई को पेपर में ऐड दिया, फेसबुक में पोस्ट किया, ट्विटर में भी ट्वीट किया, कोई आया क्या? नहीं आया। इसीलिए मेरी बात सुन के किसी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे तो वो देख लेंगे, क्या कहते हैं? कौन है वो बच्ची? ये एक मिसिंग केस है, किसकी बच्ची है पता नहीं। रंजीत, अगर हम उस बच्ची की परवरिश करें तो? उस भूत की बच्ची को? ए चुप रह। नहीं लक्ष्मी, अगर उस बच्ची का कोई घर वाला आ गया तो? पेपर में डाले हुए 1 हफ्ता हो गया ना, कोई नहीं आया, श्याम ने बताया ना। प्लीज रंजीत, उस बच्ची को ले आते हैं ना। वो बात नहीं है लक्ष्मी। हमें पता चला कि हमें बच्चा नहीं हो सकता, और इसी बीच उस बच्ची का मिलना, कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर होगा ना। प्लीज रंजीत, मेरे लिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक्स रंजीत, आई लव यू। मैं यहीं पर हूँ। हम भी दूर ही हैं एक दूसरे से, तो फिर ठीक है। गुड़िया की जैसी लग रही है मेरी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी बच्ची। इतनी प्यारी सी बच्ची को आखिर कोई माँ छोड़कर कैसे जा सकती है? छोड़ो ना दीदी, ये कोई फिल्मी बच्ची की तरह मासूम बच्ची थोड़ी ना है, ये तो भूतिया बच्ची है। चुप। अच्छा सुनिए जी, इस बच्ची का नाम क्या है? वसु। हाँ, इस हफ्ते हम लोगों को जो पता चला वो बस इसका नाम ही है। वसु, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आई हूँ, चलो दिखाती हूँ तुम्हें। ए, हिलना बंद कर और पत्ता फेंक। बाबूजी, मुझे जोकर मिला। जोकर को जोकर नहीं तो क्या किंग मिलेगा? मैं जोकर नहीं हूँ, किंग हूँ। अगर किंग है तो जोकर को फेंक दे। मुंह बंद कर, शो इधर। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, आप चीटिंग से जीते? कैसे जीता वो नहीं, जीता या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। मैं अभी आता हूँ, यही बैठ, तेरे लिए ड्रिंक भी लेके आता हूँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? जाने दो।
ये क्या है? सारी मछलियां कैसे मर गई? ना बोला तो मारूंगी, पकड़ो। नहीं पिएगी? अरे इतना अच्छा फ्लावर पॉट तोड़ दिया तूने, तेरी तो अरे बाप रे, तेरी इतनी हिम्मत हुई, मुझे मारेगी तू? रुक जा, अभी मालकिन को बुलाती हूँ मैं, रुक जा तू। मालकिन, मालकिन आइए आइए, मालकिन आप खुद देखिए, गुलदस्ता तोड़ दिया है। कहाँ है फ्लावर पॉट? तो सामने रखा है, तोड़ दिया बोला था। भगवान, अरे मालकिन सच बोल रही हूँ, मैंने अपने आप को कंप्लेंट करनी थी, हो गई, अब जाकर अपना काम। वो बात नहीं है मालकिन, थोड़ी देर पहले कहा ना काम करो, चलो। मेरी प्यारी सी बच्ची, कितना प्यार आ रहा है तुम पर। इस रंजीत की जब तक विरार में पोस्टिंग थी ना, तो किसी के भी घर में चोरी होती थी, पकड़कर 2 साल के लिए अंदर डाल देता था ये। हाँ भाई, अब इसके घर में ही चोरी करके हम चोर अपना पावर दिखाते हैं। चल निकाल रे, कम ऑन। तू इधर, तू उधर जा। अरे 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 अरे, इधर आओ। रे आलमारी, सूटकेस, ड्रावर सब कुछ चेक करना, जो मिले लेकर आ जाना। सब लेकर आ जाऊं? उसके अंदर जो सामान मिले मतलब वो लेकर आना। नहीं लाना, तेरी जात का एक लगाऊंगा। नौटंकी कर रहा है, सोना चांदी हीरे मोती पैसे वो सब लेकर आना है, समझा? जाओ ना, जाओ, अब देख क्या रहे हो, जाओ जा, जा तू भी। क्या हुआ, सब कुछ मिल गया ना? क्या हुआ रे? मैंने पहले ही बोला था, सिटी के लोग बड़े चालाक होते हैं भाई। सब जगह देखा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड नहीं मिला क्या? अरे ये हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करके अंदर आने की क्या जरूरत थी? फालतू की बात की ना तो मार डालूंगा। असल में मैं उससे बदला कैसे लूं यही सोच रहा हूँ रे। करेक्ट। रे उस रूम में तुम लोग गए थे क्या? चलो उस रूम में चलते हैं। बच्ची, लगता है ये रंजीत की बेटी है। भाई इस बच्ची को चोरी करके ले जाएं क्या? ए, चिंदी चोरों की तरह नहीं, स्मार्ट चोरों की तरह सोच। तो फिर एक काम करते हैं, इस लड़की के बाल काट कर बेच देते हैं। अरे इसीलिए शहर में हमें लोग चिंदी चोर कहते हैं। टेक्निकली कुछ सोच रे, अपडेट हो जा, अपडेट। अब आप ही बताओ भाई। ये सही कहा। अरे
अब इस बच्ची को किडनैप करके इसके बाप को डराकर पैसे मांगेंगे, समझा? बदला का बदला भी होगा और पैसे के पैसे। आराम से संभल कर आना। ये क्या हुआ? उसको छूते ही बिजली का झटका लगा। अरे भाई, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे एक बार और ट्राई करते हैं, चल। एक बात समझ में आ गई भाई। ये क्या है? हमें करंट शॉट नहीं लग रहा, बल्कि कोई मार रहा है। तो फिर ये कौन हो सकता है? कौन हो आप? कौन हो? अगर मारना ही है तो करीब आकर मारो ना। हमारी नाक कटवाएगा क्या तू? मैंने क्या किया भाई? रे, लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने आओ तो मैं देख लूंगा, और तू बोल रहा है सामने आकर मारो, तेरी जात का। वो क्या है नाना, बिना देखे कोई मार रहा है ना, गलती से कहीं इधर उधर लग गई तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे ना। आज तो खेल आर पार का खेलूंगा, इस बच्ची को किडनैप करूंगा ही। भाई तू चुप रह रे, मैं इसे दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। देरी तो कर लिया किडनैप। बाप रे, बहुत मार लगी। अरे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारा पूरा शरीर तोड़ दिया है। ऐसे तो कोई इंसान नहीं मार सकता है यार। फिर कौन हो सकता है? भूत हो सकता है भाई। हमारे गांव में वो फकीर बाबा है ना, 50 रुपए लेकर एक ताबीज देते हैं। ये ताबीज उन्होंने ही दिया है मुझे, इसको भूत देखते ही भाग जाता है। दिखा। अब आप सभी लोग मुझको पकड़ लो, जोर से पकड़ो। हे भूत, देख ले, ये हमारे फकीर बाबा ने ताबीज बनाया है, अब तेरा काम तमाम। टीम ट्राम फाट, टीम ट्राम फाट, टीम ट्राम फाट, टीम ट्राम फाट। ये कहाँ है? हम लोग कहाँ आ गए भाई? ये क्या है रे? ये तो किसी मारवाड़ी के गोदाम की तरह लग रहा है मुझे। सब कुछ छोड़ो भाई, भूत के आने से पहले यहाँ से निकलो भाई। ठीक है ठीक है, चलो चलो। भाई अभी तक तो हमको जो मार रही थी ना, वो फीमेल भूतनी थी, फिर से आ गई है भाई। ए, बच्ची को छूने की कोशिश की ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसी बात नहीं है सिस्टर। सिस्टर, हम लोग आपके कजिन ब्रदर की तरह है। हमारा दिमाग खराब हो गया था जो हम बच्ची के नजदीक गए। को छोड़ दो सिस्टर। इस रूम से बाहर निकलने की या फिर चिल्लाने की कोशिश की तो जान से मारूंगी। अच्छा ठीक है सिस्टर, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को मेरे बारे में बताया या मुझसे हुई बात के बारे में बताया तो कसम सिस्टर, इन लोगों को भी नहीं बोलने दूंगा। क्यों रे? ठीक है। कर्क राशि, आज का दिन इनके लिए अच्छा है, आज मेरा दिन शुभ है। शक्ल देखिए अपनी, देख लेते। कर्क राशि का आज का भविष्य, शादीशुदा लोगों के लिए संतान योग और कुवारे लोगों के लिए जीवन साथी मिलने का योग है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये हद है।
हाय, आई एम प्रिया। हाय, आई एम श्याम। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, प्लीज कम। हाय भैया। हाय प्रिया, लक्ष्मी देखो कौन आया। कौन है? प्रिया। हाँ आ रही हूँ। भैया और भाभी सब लोग अच्छे हैं ना? सब अच्छे। हाय प्रिया। हाय भाभी, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ। मेरी बेटी। व्हाट? डरो मत, मैंने गोद लिया है। ओह सो क्यूट। हाय बेबी, कम हियर। नहीं आ रही ना? दो दिन बाद खुद ही चलकर आएगी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ। जाइए जाइए जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं सर? ए, देख नहीं रहा, प्यार कर रहा हूँ। प्यार जैसा नहीं लग रहा, गंदी नजर लग रही है। जल्दी करो भाई। चुप तेरी जात का। भागने की कोशिश कर रहे हो? चिंची, ये तो कुछ मिलता है क्या? वो ट्राई कर रहे थे, क्यों रे? वैसे भी सिस्टर नायत तिहार जेल है ना, पुणे का जेल है, जो यहाँ से हम लोग भागने की कोशिश करेंगे। ऐसी जेल तो पुराने जमाने में भी नहीं होती थी, है ना? वैसे तुमको छोड़कर कहाँ जाएंगे सिस्टर? सच में? मेरी कसम। अच्छा सिस्टर, कब से आपका ऑडियो दर्शन ही हो रहा है, वीडियो दर्शन कब होगा? देख लिया? या फिर क्लैरिटी चाहिए? नहीं सिस्टर, आपका नेगेटिव दर्शन करके ही हमारा जीवन धन्य हो गया। अगर डिजिटल होता तो हमारा हार्ट फेल कर जाता सिस्टर। अरे बाप रे, लगता है चली गई। इस समय कौन होगा? अरे बाप रे, ये भूत पिक्चर की उर्मिला लग रही है। मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, वरना मुश्किल होगी। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बात है, झूला? क्या झूला? अब हम जो है वो चोरों के महाराजा है। ये कैसी आवाज है भाई? अरे बाप रे। कुछ भी नहीं है। अरे ये तो ग्लोब है। अरे पहले जमाने में गहने हीरा मोती घर में रखा करते थे, और अभी LCD और LED के अलावा कुछ रखते ही नहीं है। रूम में भी कुछ नहीं रखते हैं। लगता है कोई आ रहा है। शायद इसमें कुछ मिल जाए। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। गोल्ड चेन, सुपर। आज के लिए चेन ही काफी है। अगर इसको बेच डालूंगा 20,000, 20,000, 20,000। ये क्या था? बिल्कुल करंट के जैसा लगा मुझे। आ रहा हूं। अरे बाप रे,
अरे ये तो इंसान है, भूत समझकर डर रहे थे। मैं इंसान ही हूँ, तुम लोग कौन हो, चोर हो क्या? विरार के चोर हैं हम लोग। मैं विरार का चोर हूँ। ओह, सेम कास्ट। नाइस टू मीट यू, सेम टू यू। अरे हमारी बिरादरी का ही है। क्यों भाई, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे रो मत यार, ये आवाज बाहर गई तो सिस्टर वापस आ जाएगी। ये सिस्टर कौन है? अरे भाई, तेरी जिसने धुलाई करके तुझे अंदर भेजा है ना, वही सिस्टर है। वो भूतनी तुम्हारी सिस्टर है? नहीं, हम लोग ही उस भूतनी के कजिन ब्रदर्स हैं। क्यों रे? क्या कह रहे हो भाई, मुझे बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहा है। दरअसल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? असल में हुआ ये था कि यही हुआ था हमारे साथ। भाई 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 रो मत, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो। अरे बाप रे, लगता है बच्चा बहुत डर गया है। डरो मत बच्चा, सो जा। सो जा बच्चा, सो जा, सो जा। वसु, वहां देखकर क्यों हंस रही हो? क्या हुआ बच्चा, फैमिली मेंबर्स की याद आ रही है? नहीं भाई, कल सुबह तक कुछ भी नहीं खाया, नहीं खाया, भूख लगी है। कल सुबह से नहीं खाया? हम दो दिन से नहीं खाए, अपना दर्द किसको बताएं? प्लीज भैया, मैं पहले ही शुगर पेशेंट हूँ, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी थाली भी दिला देंगे तो चलेगा। अरे ये किसने पार्सल भेजा होगा? गुड मॉर्निंग सिस्टर। ए ए, खड़ा हो जा, चल। वो तो खड़ा हो जा, वो तो चल। बोल, गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग सिस्टर। किसके लिए है सिस्टर ये खाना? सबके लिए है। क्या कहा, हम सबके लिए? हाँ। ये ज्यादा तो नहीं होगा सिस्टर? ज्यादा हो या कम हो, खाना ही पड़ेगा। ठीक है सिस्टर। भाई हा? मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं खा लेता हूँ। तो किस बात की है, खा ले, निकल जा। सिस्टर पानी मिलेगा क्या? देख लिया ना ब्रदर, पानी पानी कर रहा था ना, सिस्टर ने तेरे लिए पानी भेजा है। शुगर पेशेंट है ना, थोड़ी सी दया दिखा दी। आप तेरे लिए ये पी ले ना, पी ले, पी ले भाई, पी ले, पियो। थूक क्यों दिया भाई? ये जूस नहीं है, ये तो ब्लड है। क्या? ये खून किसका है सिस्टर? तेरा ही है। मेरा है। अच्छे से चेक कर। बाप रे। ये क्या है सिस्टर? सिस्टर ये सब क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप चेक किए बिना ही, मुझसे पूछे बिना ही मेरा ब्लड डोनेट करवा दिया। मैंने चीखने से मना किया था ना, तुम चीखे इसीलिए ये सजा मिली। सिस्टर हम लोगों को छोड़ दो सिस्टर। सिर्फ इस लड़की को ही नहीं, दुनिया की किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे सिस्टर, मां कसम। सिस्टर अब से हम चोरी करना छोड़कर मेहनत मजदूरी करेंगे सिस्टर, कसम से कहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर बन जाएंगे सिस्टर। बाप रे, गई।
अब हमारा होगा क्या? अरे क्या होगा अब? मैं थोड़ा सा चीखा तो मेरा ब्लड निकाल कर तुझे पिला दी, थोड़ा और चीखूंगा तो मेरी किडनी निकाल कर तुझे खिला देगी, समझ गया तू? हाय, मुझे ढूंढते हुए इधर आ रही है। हाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। श्याम, 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 श्याम। मैं मेरी तरफ से भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। तुम्हारा फेसबुक में भी अकाउंट है? मुझे भी ऐड कर लो ना। कहाँ? फेसबुक पर। आपका यूजर आईडी? यूएस प्रिया। यूएस प्रिया, माय प्रिया, शी इज माय एंजल। देख रही हो? इतनी रात को टीवी देख रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? चलो हमारे साथ सो जाओ, आराम से नींद आ जाएगी, ठीक है? चल। लक्ष्मी। हाँ? ड्यूटी पे जा रहा हूँ मैं, शाम आया तो फोन करने के लिए बोलना। ठीक है। बाय बेटा। बाय प्रिया। बाय भैया। मना नहीं करते, खाना पड़ेगा। आ देख क्या रही हो, चलो खाना खाओ। नहीं नहीं बोलोगी फिर भी खाना होगा, चलो खाओ। खाओ कहा ना? नहीं बोला तो मार खाओगी। मना कर रही है ना, जबरदस्ती क्यों कर रही हो? ये ऐसे ही मना करती रहती है, थप्पड़ खाएगी ना तो खाना खाने लगेगी। चलो खाओ, खाओ, चलो खाओ कहा ना, खाओ। एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता क्या? प्रिया ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देखो कैसे बच्ची डरकर भाग गई।
बस वो मना कर रहे थे ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे थे आप? बहुत बढ़िया, सब लोग अगर ऐसे ही उसे बिगाड़ते रहे तो वो बात कैसे मानेगी? वसु, 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 वसु। मेरी एंजल मेरा इंतजार कर रही है, यही सही समय है, कुछ भी करके आई लव यू बोल देता हूं। हाय प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, वो ना आई लव यू। साहब जी, ठीका साहब जी, आप मालिक, हम काम वाली, आप बैचलर, मैं सिंगल मैरिज, आप कहाँ मैं कहाँ, फिर भी आपने मुझे फ्लावर दिया, मतलब मेरे दिल में बैठ गए आप हमेशा के लिए। क्या दिल में बैठ गया आटे की गोनी, खुद को कभी आईने में भी देखा कर, जाओ यहाँ से अंदर। ये क्या साहब जी, अभी तो लव बोला था ना। लला लव अब नहीं, जाओ। छे, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। अरे बाप रे, मेरी एंजिल देखती तो मेरी ही चपाती बना देती। मेरी एंजिल कहाँ है? एंजिल, एंजिल, एंजिल। एक, दो, तीन, दस, तीस, पचास, हजार, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। ए, इतना मत उठा, बाद में सीधा नहीं होगा। क्या कहा? तेरा हाथ। हाथ? अच्छा सुन, हम लक्ष्मी की फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। ठीक है जीजा, हैप्पी जर्नी। आओ लक्ष्मी। प्रिया, रात को आने में देर हो जाएगी, वसु को संभाल के। ठीक है भाभी। बाय मेरा बच्चा। बाय बाय। इस समय बाहर क्यों आई? शे, कुछ देर हॉल में बैठती तो लव यू बोल देता। ये क्या हुआ, अभी तो ऊपर गई थी फिर नीचे कैसे आई? अजीब लग रहा है। कहाँ गई? कहाँ गायब हो गई? नजर नहीं आ रही है, ये हो क्या रहा है यहाँ? प्रिया, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो तुम? ऐसे ही, बस यूं ही। वैसे तुम बेबी रूम में गई थी ना, इस रूम से कैसे बाहर आई? ये सब जानने की कोशिश मत कर, मर जाएगा तू। कैसी बात कर रही हो, जोक कर रही हो क्या? मैं तेरे साथ जोक क्यों करूंगी? तुम पे दिल आ गया इसलिए कूल होकर बात कर रहा हूँ, तुम मुझे चाटा मार रही हो हैं?
असल में तुम कौन हो? मेरे बारे में जानने की कोशिश करेगा तू? नहीं सुनेगा? ऐसे क्यों पड़े हैं सर? ओह, प्यार में पड़े हैं? मतलब दोनों लोग जोरदार प्यार कर रहे हैं? हाँ यार, हम दोनों प्यार कर रहे हैं। तू तो तू भी उधर जा और प्यार कर ले। चुप रहिए सर, जो करना था वो करके अब जोक मार रहे हैं। जोक? प्रिया बीबी जी, प्रिया बीबी जी, सर को लगता है खींच के दिया आपने। हाँ, तुझे भी देती हूँ, ले ले। तुम्हें देख के डर लग रहा है प्रिया, असल में तुम कौन हो? कहा था ना पूछना नहीं, समझ नहीं आता? अरे पहले हम लोग आए, उसके बाद में ये शुगर वाला आया, उसके बाद ये बुढ़ा आया, उसके बाद ये आया। अरे भारत की जनसंख्या की तरह इस रूम की भी जनसंख्या बढ़ते जा रही है यार। जरा रुको, कौन हो तुम लोग? पहले तुम कौन हो बताओ भाई। ए, इस घर के मालिक का साला हूँ मैं। अरे सिस्टर ने इस रूम के मालिक के साले को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगी? ए, बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम लोग? इस घर में चोरी करने आए हुए चोर हैं हम। पुलिस के घर में चोरी करने आ गए? अब ये पुलिस के कंट्रोल में नहीं है बॉस, भूत के कंट्रोल में। भूत के कंट्रोल में? उसने तुम्हें मारा, तभी तो तुम लहराते हुए यहाँ कर गिरे। हाँ सर, प्रिया बेबी भूत है सर। हाँ यार, उसकी जब एक पड़ी ना तभी मैं समझ गया। चलो भाग चलते हैं। नहीं भाई, आपको सिस्टर के बारे में पूरा पता नहीं, हमारे बॉस को एक भरा हुआ खून का गिलास दिया। ए, बंगले का मालिक हूँ मैं, चलो भाग चलते हैं। एक बार और सोच लो भाई। ए, आओगे कि नहीं आओगे? ओनर जब बोल रहा है तो चलना ही पड़ेगा ना भाई। चलो चलो भाई। चलो चलो। अरे बाप रे। ए, ए, उधर नहीं रे, इधर इधर आ। ए, चुप रे। इधर क्या? इधर से भी रास्ता है भाई। इस बंगले में और कहां कहां चोर दरवाजे हैं? क्यों, नेक्स्ट टाइम घर में घुसने के लिए मुंह बंद कर और चल। हो गया, चलो चलो आराम से आओ, आराम से। फिर से आ गए सिस्टर। क्या हो रहा है? मेरी बात ना सुन के यहाँ से भागने की कोशिश की तुमने? अब देखो। अरे बाप रे, मर गया, कहाँ से आकर फंस गया यार। माफ कर दे सिस्टर, हमें कुछ नहीं पता सिस्टर, इसने ही कहा चलो भाग चलते हैं। मैंने ये झूठ बोल रहा प्रिया, यही लोग भागने का प्लान बना के मुझे भगा लाए। मेरे ही घर से मैं कहाँ भाग जाऊंगा बताओ। ऑनर समझ के तुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तू हमें ही फंसा रहा है। इसने ही सिस्टर, ये घर मेरा है, ऐसा हम लोगों से बोला कि हमारी बात सुनो। सच नहीं है प्रिया, मैं चोर हूँ, घर के सारे चोर दरवाजे मैं जानता हूँ, चलो हमारे साथ बोल के लेके आए। सिस्टर हम तो आपके भाई ये पहले ही बोल चुके हैं ना, वो तो आपको पता है ना, हमारी बातों को विश्वास करो सिस्टर। नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं, मेरी बात मानेगी? हमारी बात सुनेंगे, 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 हमारी बात सुनेंगे। तुम में से किस पर विश्वास करना है मैं डिसाइड करूंगी। मतलब खेल खेलोगी? नहीं, परीक्षा लूंगी मैं। मतलब बच्चों की तरह बोल बेबी बोल का कंपटीशन रखोगी सिस्टर?
हाँ, मेरा नाम क्या है? नाम ही तो नहीं पता, लेकिन तुम जिस बॉडी में हो वो प्रिया है। अब इसी नाम से गाना गाओ। गाएंगे तो? गाने वाला ग्रुप जा सकता है। और नहीं गा पाए तो? बाद में बताऊंगी, शुरू करो। ए, कौन हो तुम लोग? प्रिया मालकिन, क्या चल रहा है इधर? अब पता चला कि क्या हो रहा है, तो फिर इधर आओ। वो कुछ और गाने के लिए बोली थी, तू कुछ और ही गा रहा है। सिस्टर, आपने प्रिया बोलकर गाने के लिए कहा था और ये पिया 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 गा रहा है। सिस्टर, दोनों एक ही है ना? चुप रे, दोनों एक ही कैसे है? नीचे रा की मात्रा होनी चाहिए, तू गा की मात्रा लगा रहा है। कौन बोला? मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? ये लोग जीत गए। तो क्या हम जा सकते हैं? अरे इसका मतलब यही है ना, जाओ। अरे चलो चलते हैं। अच्छा काम किया, ये चोर पूरा घर खाली कर देते। मैं थक गया हूँ, ऊपर जाके सो जाता हूँ। ए, पागल हो गया है तू? क्या बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ जीजा, घर में भूत है। रात को प्रिया में घुस के अजीब हरकत कर रही थी। ए, इधर आ, इससे पूछो रात में क्या हुआ, बताओ। रात को रात को क्या हुआ? रात को कुछ भी नहीं हुआ। वही, रात को भूत आया था ना, बताओ। भूत कब आया था? मतलब रात को प्रिया में भूत नहीं घुसा था? नहीं घुसा था। तो हमें चोट कैसे आई? भूल गए साहब, पूरा क्वार्टर पी के आप ही सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आए थे। हाँ, तो फिर तुम्हें कैसे चोट लगी? आप आकर मुझ पे गिरे ना। तेरी तो तो रुक, तो ठीक है साहब। जीजा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझ पे विश्वास नहीं है जीजा। ए, तूने रात को ज्यादा पी ली थी, इसीलिए तुझे चढ़ गई थी, इसीलिए तुझे सपने आए होंगे ऐसे। विश्वास नहीं है ना? ठीक है, अपनी आंखों से देख लेना, भूत मिलने के बाद मुझे बुलाना, तभी आऊंगा। बाय। हे, अरे रुक तो, अरे सुन। अजीब बात है, गुस्सा कम होगा खुद ही आ जाएगा। क्या बात है बेटी, अकेली खेल रही हो? अकेली क्यों, सामने माँ बैठी है ना। अरे और कितनी देर सोचोगे आप, आगे बढ़ो। आइए मालकिन, आ जाइए। साहब जी, अपनी आंखों से देखिए, ये रही मेरी चाल। तुमने बोला कि गोटियां हिल रही थी, कहाँ है वो? कुछ नहीं साहब जी, कुछ भी नहीं। ये तो एकदम पागल है, सबको टेंशन देती रहती है। अब क्या सोच रहे हो? Thank you.
किसके साथ खेल रही हो? तुमसे पूछ रहा हूं, किसके साथ खेल रही हो तुम? किसके साथ खेल रही हो बताओ मुझे, बोलो। प्रिया तुम यहां पे क्यों आई हो? यहां पर कोई भूत है, वो वासु को पता है। तुम जाओ यहां से, मैं उसे देख लूंगा। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? वो भूत मैं ही हूं। मेरी बेटी पर हाथ उठाया तूने, तेरी तो रंजीत क्या हुआ? क्या हुआ रंजीत? भाभी क्या हुआ भैया, नीचे क्यों गिरे हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ रंजीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, बच्चे के साथ खेलते हुए पांव फिसल गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, इट्स ओके। चलो चलते हैं। अरे सोने के टाइम पर क्या खेल खेलना। वसु चलो सो जाओ, चलिए। तुमने बताया तो मैं समझ नहीं पाया, जब तक आंखों से नहीं देखा यकीन नहीं हुआ मुझे। आई एम सॉरी यार। ये सॉरी कहने का वक्त नहीं है पापा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये सोचना पड़ेगा। कितना भी सोच रहा हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसके पास जाएंगे तो वो हमें सही जगह ले जाएगा। वो कहाँ पे है? यहाँ से बहुत दूर। हमें फौरन चलना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो। बाबा ये लोग आपसे मिलने आए हैं। वासु की तस्वीर समाधि पर क्यों है? ओम नमः शिवाय। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, हम अपनी एक समस्या का हल ढूंढने आपके पास आए थे। यहाँ पर आने के बाद एक और समस्या हमारे सामने आ गई। क्या है वो? मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए हम एक बच्ची की परवरिश करने लगे। हम जिस बच्ची को लेकर के आए थे और यहाँ जो तस्वीर है वो दोनों एक ही है। उस बच्ची को हम जिस दिन लेकर के आए थे उस दिन भी तारीख 19 जुलाई ही थी बाबा। इस बच्ची का और उस बच्ची का क्या संबंध है, दोनों में क्या रहस्य है बाबा? नमः शिवाय। इस बच्ची का नाम वसुदई का है। वसुदई का? इस बच्ची के बारे में जानना है तो पहले उसकी माँ वसुदई का के बारे में जानना होगा। क्या माँ का नाम वसुदई का है? हाँ, चाहे अपनी बेटी का नाम ही क्यों ना हो, किसी और का नाम नहीं देना चाहिए, इसीलिए अपनी बेटी का नाम वही रखा। ये वसुदई का है कौन? ये 70 साल पहले की बात है। खूबसूरती उसकी पहचान थी, ममता की परछाई थी वो, और हमेशा निडर होकर रहती थी। इस धरती पर शेरनी की तरह चलती थी और उसकी एकमात्र जान थी वसुदई का। रुक जाओ। क्या हुआ मौसी? बच्ची को पूरे गांव में घुमाकर ला रही हो, नजर लग गई होगी। वो दक्षिण की झोपड़पट्टी वालों की नजर अच्छी नहीं है।
ए, नमक लाया क्या? रुको, नमक नहीं, वो दक्षिण झोपड़पट्टी के पास हमारी जो खाली जमीन के कागज है उसे लेकर आओ। किस लिए? उन झोपड़पट्टी वालों के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो मेरी बेटी के पास है उसे देखकर नजर पड़ती है, इसीलिए मैं वो जमीन देकर उनकी नजर ही बदल दूंगी, देखना। और फिर वो मेरी बेटी देखकर नजर नहीं रखेंगे। जायदाद के कागज लेकर आओ। बेटी नजर नहीं आ रही है। वसुदाईका, वसुदाईका, सुब्रमण्यम, बेटी को देखा नहीं क्या? मालकिन। वसुदाईका, वसुदाईका, मंगमा, बेटी को देखा क्या? मालकिन, वसुदाईका, बेटी, वसुदाईका, बेटी, वसुदाईका, वसुदाईका, क्या हुआ है मेरी वसुदाईका को? कुछ बोल क्यों नहीं रही? वसुदाईका, वसुदाईका, तुम लोगों से कुछ पूछ रही हूँ। रामा राजू, जो होना था वो हो गया, अब जो होना है वो देखो। मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? उसको दूध पिलाना है, इधर दो। देखिए ना मौसी, वसुदाईका को लेकर जा रहे हैं। उनको जाने दो बेटी, मेरे साथ चलो। मौसी, वसुदाईका, चलो, अरे चलो, नहीं, मुझे चलो। जाने दो, मेरी बात मुझे जाने दो, मेरी गाना, वसुदाईका, वसुदाईका, मेरी गाना, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मेरी बात तो सुनो बेटी, छोड़ो, वसुदाईका, सुनो, छोड़ दो मुझे। करीब आए ना तो जान से मार दूंगी। वसुदाईका, वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम आगे बढ़ा है ना तो मैं जान ले लूंगी। वसुदाईका, वसुदाईका, रुक जाओ, वसुदाईका, रुको, रुको, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ वसुदाईका, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, रुक जाओ वसुदाईका, रुको, रुको, अब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, मेरी बात सुनो वसुदाईका। तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी तो मुझे मेरी बेटी से दूर कर दोगे। वसुदाईका, मेरी बात सुनो, मेरी बात का विश्वास करो। नहीं, मेरी बेटी मरी नहीं है, वो जिंदा है, मेरी बेटी सो रही है। रुक जाओ वसुदाईका, मेरे पास मत आना। वसुदाईका, पीछे मत जाओ, पीछे मत जाओ, रुक जाओ। नहीं आऊंगी मैं, अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती। वसुदाईका रुक जाओ, वसुदाईका रुक जाओ, नहीं वसुदाईका रुक जाओ, पीछे मत जाओ, पीछे मत जाओ, वसुदाईका, वसुदाईका, नहीं, मेरी बात सुनो, वसुदाईका, वो बेटी से दूर नहीं होना चाहती थी और माँ की इच्छा के लिए वसुदाईका के बगल में ही उसकी बेटी की भी समाधि बनी। वो मर तो गई लेकिन उसके अंदर का प्यार नहीं मरा, इसीलिए आत्मा के रूप में भी वो अपनी बेटी वसुदाईका का इंतजार कर रही थी। उसके प्यार के आगे भगवान झुक गया और तुम्हारे पास बेटी के रूप में भेज दिया, और वही ये वसुदाईका है। वसुदाईका,
बेटी को देखकर फिर से वसुदैका के भीतर ममता जाग गई, लेकिन वो एक आत्मा थी, इंसान रूप में जो बच्ची उसके करीब आई और परिस्थिति वस्तु उस बच्ची को अपने घर ले गए, लेकिन वो आत्मा भी उसके साथ गई। लेकिन प्रिया, बेटी को छूने की इच्छा से वो प्रिया के शरीर में प्रवेश कर गई। मतलब वो प्रिया को नहीं छोड़ेगी। बदले की आग में कोई आत्मा बदला लेने के बाद अपना शरीर छोड़ देती है, लेकिन वो वसुदैका के प्रेम में पागल है, उसका कोई अंत नहीं है। एक बार उस बच्ची की मृत्यु की तारीख देखो, उसके जन्मदिन पर अगर तुम्हें अपनी बेटी मिली है तो उसके मरण दिन पर तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो जाएगी, ये सच है। मतलब समझ में नहीं आया? बेटी की मौत की तारीख पर वसुदैका तुम्हारी बेटी को लेकर चली जाएगी। जीजा, आज ही 21 अगस्त है, मतलब आज के दिन। बाबा, इस समस्या का हल क्या है? नहीं बता सकता। बदले का अंत हो सकता है, लेकिन ममता का अंत नहीं होता। मैं ही तो क्या, कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएगा। जमीन और आसमान को एक कर दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को जरूर बचाऊंगा। नमः शिवाय। ए, चलो यहां से। क्या बात है बेटा, क्या चाहिए? तुमसे ही पूछ रही हूँ, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी प्यारी सी बेटी, चलो अंदर चले, चलो चलते हैं। चलो। जीजा, दीदी का फोन स्विच ऑफ हो गया। एक बार और ट्राई करो। स्विच ऑफ। समय जा रहा है, तेज चलाइए जीजा। वसु, 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 प्रिया, वहां क्यों बैठी हो तुम? बोलो ना प्रिया। बात क्यों नहीं कर रही प्रिया? मेरा नाम प्रिया नहीं है, वसुदैका है। वसुदैका? वसुदैका कौन? क्या बात कर रही हो प्रिया? बोल रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा? मेरा नाम प्रिया नहीं, वसुदैका है। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगी। प्रिया, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? मेरा नाम प्रिया नहीं है, मेरा नाम वसु।
प्यासा। बसो, चलो बेटी, चलो बेटी। कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? कोई भी मुझसे मेरी बेटी को दूर नहीं कर सकता। वसुदेविका, आओ मेरे पास, आओ बेटी, आओ बेटी, आओ। लक्ष्मी, 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 दरवाजा खोलो लक्ष्मी, मेरी बेटी को भेजो ना लक्ष्मी। दरवाजा खोल, लक्ष्मी, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल, खोल। खोलने को कहा ना, खोल। वसुदेविका, वसुदेविका, तुम कौन हो पता चल चुका है, चली जाओ यहाँ से, इस घर को छोड़कर चली जाओ। फिर से एक बार और बना। वसुदेविका, ये आवाज सुने कितने साल हो गए पता है? वसुदेविका, तुम जो कर रही हो बहुत गलत है, प्रिया को छोड़कर इस घर से चली जाओ। वसुदेविका को बोलना आता है पर सुनना नहीं। जीजा, जीजा, जीजा। प्रिया, नहीं। वसु, तुम जाकर सो जाओ। मेरी बेटी के पास मत आओ। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। सुनिए जी, हमारी बेटी, हमारी बेटी कहाँ है? वो भूतनी हमारी बेटी को लेकर चली गई। मुझे मेरी, मुझे मेरी बेटी चाहिए जी। रो मत लक्ष्मी, हमारी बेटी को लेकर वो कहाँ गई होगी मुझे पता है, चलो हम उसे लेकर आएंगे। को ढूंढते हुए यहाँ तक आए। मैं और मेरी बेटी के अलावा तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, हम अपनी बेटी को लेकर चले जाएंगे। मेरी बेटी के करीब भी गई तो मार डालूंगी। मार डालोगी? मार डालो। तुम्हारे हाथों में अपनी बेटी को छोड़ के जाने से बेहतर तो यही होगा कि मैं यहाँ से लाश के रूप में जाऊँ। आओ मारो।
बेटी को तुमने अपनाया इसलिए आज तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से मेरी बेटी के करीब मत आना, जाओ। वसुदायिका, तुम्हें कोई वहम हो रहा है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। वो बंद कर। आगे से बोला कि वो मेरी बेटी नहीं तो जान से मार डालूंगी। वसुदायिका मेरी बात सुनो, खाली शक्ल तुम्हारी बेटी से मिलती है लेकिन वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वसुदायिका मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है ना? ठीक है। जिस शरीर में कब्जा करके रखा है उसे छू कर दिखाओ एक बार। रुक क्यों गई तुम? तुम्हारी बेटी है बोल रही हो ना? अगर तुम यह शरीर छोड़कर वासु को छू लो तो वासु को छोड़कर हम दोनों यहां से चले जाएंगे। छू सकती हो? क्या मैं अपनी बेटी को छू नहीं सकती? क्या देख रही हो? छू कर दिखाओ अपनी बेटी को। मेरी प्यारी बच्ची को मैं छू भी नहीं सकती? क्यों नहीं छू सकती हूँ मैं? छू कर बताऊंगी तुम्हें। वसुदायिका, वसुदायिका अपनी माँ के हाथों में क्यों नहीं आ रही? देख लिया ना, ना तुम बेटी को छू सकती हो ना ही उसे उठा सकती हो, क्योंकि तुम सिर्फ एक आत्मा हो। एक बार अपने अतीत को याद करो। तुम्हारी बेटी झील के किनारे मछली पकड़ते समय पैर फिसलने से गिरकर मर गई। बेटी पर जो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी बेटी मर चुकी थी, तुम मरने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए तुम अपनी मरी हुई बेटी को लेकर भाग रही थी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बेटी को कोई दफन करे। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा पैर फिसला और तुम एक खाई में गिरकर मर गई। और एक दिन अचानक वासुदायिका की शक्ल की बच्ची देखकर तुम इससे प्यार करने लगी। ये सच है कि तुम एक महान माँ हो, लेकिन वासु तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी वासुदायिका कब की मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी इस संसार में। लेकिन एक माँ के तौर पर बेटी को प्यार दो, लेकिन आत्मा के तौर पर बेटी की परवरिश बिल्कुल गलत है। माँ का मतलब होता है जीवन देना, अपने बच्चे का जीवन लेना नहीं होता, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो पत्थर मंदिर में रखा होता है उसे हम सब भगवान मानते हैं। माँ की गोद में लड़का हो या लड़की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे औलाद ही कहते हैं। आत्मा कितना भी प्यार करे, चाहे वो इंसान की ही क्यों ना हो, उसे भूत ही कहते हैं। उसका इस मृत्युलोक में कोई जगह नहीं। अपनी बेटी जैसी वासु को क्या तुम चाहती हो कि धुतकार मिले? वसुदायिका, तुम क्या कर रही हो एक बार सोचो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे कब्जे में जो हमारी बेटी और प्रिया है उसे छोड़कर हम चले जाएंगे। लक्ष्मी, चलो चलते हैं।
रंजीत। हाँ? हाँ? वसुदैका? वसुदैका? वसुदैका कौन है? हेलो, हाँ? मेरा नाम प्रिया है। नाम भी भूल गए आप लोग? अच्छा सुनिए ना भाभी, इसे बहुत भूख लग रही है, इसे कुछ खिला दीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माँ के पास जाओ। अरे अब इस घर में कोई भूत नहीं है, हम चोरों की क्या पावर है अभी दिखाते हैं हम लोग। चलो तुम लोग, रे जो जो सामान मिले सबको बांध कर बाहर लेकर आ जाना, ठीक है ना? कौन है? सिस्टर, सिस्टर तुम अभी तक गई नहीं हो, तुम चली गई, पूरे शहर में चर्चा हो रही है, इसीलिए हम लोग आ गए। मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ इस घर में मेरी बेटी है, कोई मेरी बेटी के करीब आए तो।